हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ना अभी ना इवनिंग का टाइम हो रहा है और इतना ज़्यादा गर्मी है ना, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। कल ना मेरा बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा गर्मी था तो कुछ मैंने वीडियो नहीं शूट किया। और अभी अभी मैं 4 बजे से लगी हूँ तो मेरा 8 बजे जो है वीडियो शूट हुआ है। देखिए 8 बज गया और अभी मुझे खाना भी बनाना है, रात का डिनर। और मुझे बनाना है अभी, मतलब रात का डिनर बनाना है और मुझे धोना है कपड़े, मुझे मशीन भी लगाना है अभी। और बिल्कुल भी ना हवा चल रहा है, ज़रा सा भी हवा नहीं चल रहा है, ज़रा सा भी नहीं। लाइट भी नहीं है, लाइट नहीं है अभी तो। अगर आज नहीं लगा पाऊँगी, लाइट नहीं आएगा तो फिर एक ही बार जो है कल लगाऊंगी मशीन, क्योंकि कपड़े हो गए हैं। और कल जो है हम लोग जाने वाले घर ससुराल में जाऊंगी, क्योंकि हमने ना एक वहाँ पे जो है मन्नत मांगे थे, जहाँ मैं जाऊंगी आप सभी को लेके जाऊंगी, तो वहाँ पे मन्नत मांगे थे ना, तो वहाँ पे पूजा के लिए जाना है। तो इसी वजह से कल हम लोग जाएंगे और फिर उसके एक दिन बाद जो है पूजा करने के लिए जाएंगे मंदिर। तो ये है और अभी मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए पूरा मेरा बेड जो है भरा हुआ है कपड़ों से, अभी इसको फोल्ड करना है। कुछ नया कपड़ा है, कुछ पुराना है, जो मैं धोई थी कपड़े मशीन में लगाई थी वो भी, ये सारा भी मुझे फोल्ड करना है। देखो यहाँ पे सूख, देखो यहाँ पे सो रहा है, उठो उठो, बहुत गर्मी, उठो। पंखा चल रहा है, ज़रा सा भी राहत नहीं मिल रहा है, पंखा चल रहा है फिर भी। तो चलिए अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही जो है अभी मैं बना रही थी पॉपकॉर्न। देखिए ये जो पॉपकॉर्न है ना, ये बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। तो अभी यहाँ पे ये देखिए, मैं अभी कढ़ाई जो है मेरा गर्म हो रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा जो है तेल डालूँगी और नमक और हल्दी डाल के जो है अच्छी तरह से ये बन जाता है, ये वाला पॉपकॉर्न जो होते हैं। तो अभी मैं बना के दे देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ अपना चाय के साथ। और ये जो है नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो अभी मैं ब्रश कर रही हूँ, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, सारा मैंने मॉर्निंग का काम कर लिया है। और सॉरी मेरा ना 4-5 दिन जो है मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया, बस थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब था और घर में थोड़ा सा परेशानी भी चल रहा था, इसी वजह से कोई भी वीडियो मैंने शूट वगैरह नहीं किया था, तो फिर नहीं जा पाया, आप लोग के पास नहीं पहुंच पाया। तो यही था। और यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं नहा भी लूँगी। यहाँ पे अभी हम लोग आए थे कुछ शॉपिंग करने, तो मैं गोलू के लिए जो है कुछ ख़रीदारी करने आई हूँ, ये भी आए हैं।
तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना कि गोलू के लिए जो है आप लोग कुछ शॉपिंग नहीं करते हैं, तो जैसे कि ऑनलाइन आजकल ना, जैसे कि खास करके जो बॉयज़ होते हैं उनके जन ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते हैं, बस जीन्स टी शर्ट शर्ट यही सारे ऑप्शन रहते हैं, तो उतना ज़्यादा ना ऑनलाइन जो है मुझे पसंद नहीं आता है गोलू के लिए जो कपड़े मैं देखती हूँ, तो फिर मैं इसका ज़्यादातर जो है लोकल मार्केट से ही शॉपिंग करती हूँ। तो यहाँ पे अभी ये देखिए गोलू खुद देख रहा था, अपना अपने लिए जो है पसंद कर रहा था, तो अभी उसके लिए जो है लेते हैं कपड़ा। तो शर्ट लेना था और इसके लिए जीन्स, और देखते हैं क्या क्या पसंद आता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये पसंद कर रहे हैं हम लोग, और गोलू भी देख रहा था। और लड़कों का क्या होता है ना, लड़कों का जैसे कि ज़्यादा मतलब शर्ट जीन्स और टी शर्ट यही सब रहता है, और फिर ऑनलाइन ये मतलब जैसे कि गोलू खुद से देख के ही ले लेता है लोकल मार्केट से। और जो ऑनलाइन मैं मंगाती हूँ मनीषा के डुग्गू के कपड़े मेरे लिए, तो वो ना ठीक रहता है मेरे, मतलब मुझे पसंद आ जाता है। तो गाइज अभी ना यहाँ पर घर जा मतलब गांव जाने का ना तैयारी चल रहा था, तो यहाँ पर सब रेडी होके बैठे हैं। मम्मी का रेडी, पता नहीं मम्मी कब रेडी होगी, सब मम्मी का ही इंतज़ार में लगे हुए हैं। मम्मी जब रेडी होगी तब निकलेंगे। अभी मौसम देख सकते हैं आप लोग, तो अभी ना कपड़ा धोई थी तो अच्छे से अभी ढक वाशिंग मशीन को ढक के रख दे रही है ताकि धूल उल ना जमे वाशिंग मशीन में। मम्मी जल्दी करो ना, आयुष देखो इधर, तुम कितना स्मार्ट लग रहा है, देखो इधर पूरा लुक दिखाओ, पूरा लुक दिखाओ बाबू। तो ये देख सकते हैं आप लोग डुग्गू का लुक, ऐसे करो डुग्गू ऐसे करो ना। सेंट लगाया क्या? सेंट लगाया सेंट लगाया है, नहीं लगा। जितना हम मेकअप नहीं करते उतना तो यही करता है। कहाँ मेकअप किया है, खाली पाउडर लगाया ना, पाउडर लगाया और सेंट लगाया। तो अभी यहाँ पे ये देख सकते हो इसके लिए जो है ये वाला शर्ट लाए थे और ये जीन्स, तो ये शर्ट पहन लिया है, ठीक है, हाफ है और केप भी है पीछे। तो ये है और अभी हम लोग रुके हैं अभी ना, ये देखिए हवा आंधी, हमने सोचा था कि अभी जो है हम लोग निकल जाएंगे 2 बजे तक, और 2 बजे ये देखिए कितना हवा आंधी आ रहा है, तो इस ऐसे में कैसे जाएंगे। तो अभी ये हवा आंधी रुकेगा उसके बाद ही जो है हम लोग जाएंगे। कोई तुमको ना, यहाँ पे देखिए मैं ना अपना बालों को जो है थोड़ा थोड़ा कटिंग कराई हूँ नीचे से, क्योंकि मेरे जो बाल है ना वो थोड़ा नीचे से जो है बिल्कुल डैमेज हो गया था, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जो है मैंने कटिंग कराया है। नहीं अच्छा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, छोटा सा तो बाल, छोटा बाल है तो क्या करें, ठीक लग रहा है, डैमेज बाल निकल गया ना, ठीक लग रहा है। और हमको तो एक ही बार जो है काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो अभी हम लोग तैयार वगैरह हो के अभी जो है बस निकल रहे थे, और दिन में ना हवा आंधी बारिश भी आ रहा था, तो फिर अभी शाम के टाइम जो है बस तैयार हो के हम लोग निकल रहे थे। तो हम लोग ना घर पहुंच गए थे थोड़ी देर पहले ही, और कपड़े वगैरह जो है रास्ते में बारिश आ गया था तो कपड़े वगैरह थोड़ा थोड़ा भीग गया है, और कपड़ा अभी मैंने डुग्गू को जो है कपड़ा चेंज कर दिया है, तो ये ना डायरेक्ट जो है अभी सो गया है। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि सासू माँ जो है खाना वगैरह नीचे ही बनाती है, ऊपर किचन में नहीं बनाती है, तो नीचे क्या होता है ना लकड़ी में कोयला में जो है बन जाता है, और ऊपर अगर खाना बनाते हैं ना तो एक गैस में बस बनाने का ऑप्शन रहता है, तो गैस मतलब यहाँ पे जैसे कि लकड़ी कोयला रहता है बहुत ज़्यादा, तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है गैस का,
तो इसी वजह से नीचे ही खाना बनाते हैं। तो अभी वो खाना बना रहे हैं, अभी मैं जाती हूँ देखती हूँ किचन में क्या क्या जो है बना रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा जो है हेल्प करूँगी। और ये देखिए आते आते रास्ते में इतना हवा बारिश, मतलब क्या बताऊँ बहुत। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी आप सभी को, सबसे मिलाऊंगी। तो प्लीज़ ये वाली मेरी वीडियो पसंद आए तो आप सभी को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और अच्छे एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू, प्लीज़ भर भर के लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को मेरे ससुराल का ब्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।